नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। जी हां, पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन एवं राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस शेष नारायण ओझा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्थानीय जयस्तंभ चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर दिया और पुलिस प्रशासन दर्शक बन देखता रहा। जब कुछ समझ पाता तब तक कांग्रेसी पुतला जला चुके थे। अब जले पुतले को छीनने के लिए पुलिस और युवा नेताओं के बीच झूमाझटकी हुई। फिर लाल परेड ग्राउंड पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के सामने नारेबाजी की और पूर्व विधायक ने ज्ञापन का वाचन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए कहा कि क्षेत्र के कई हलकों में फसल बीमा की कई अनियमितताएं हुई हैं, अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो प्रशासन बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। गंजवासौदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। मंडल को ऐसी क्या जल्दी थी नरेंद्र तोमर को जो इसी मध्य प्रदेश से आते हैं कि किसानों के संदर्भ में चर्चा कराना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्होंने एक ऐसा कानून पास कर दिया कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, अरहर है, सरसों है जिससे तेल निकलता है, प्याज है, लहसुन है, अभी तक इसका रेट बढ़ता था तो सरकारों पर जनता ब्लेम करती थी। अब उन्होंने क्या कह दिया, इसको जितना चाहे स्टैक आप कर सकते हैं। आप ये बताइए, जब आप फसल लगाते हैं और फसल को काटते हैं, आपको तत्काल उसमें पैसा चाहिए होता कि हमारी फसल बिक जाए, उसका दाम हमें मिल जाए, लेकिन वो उस समय देगा कौन पैसा आपको? कौन देगा? धन्ना शेर देगा, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, उनकी कंपनियां आएंगी या उन्हें पौने दाम पे आपसे आपकी फसल खरीद लेंगी और उनको स्टैक करेंगी और जस्ट 2 महीने बाद वही जो आपसे 100 रुपये में खरीदा गया माल है 350-400 रुपये में आपको बेचा जाएगा। इसके रोकथाम के लिए कोई कानून नहीं है। एमएसपी के बारे में भी सरकार ने कोई बात स्पष्ट नहीं की है, इसलिए यूथ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी इस कानून का पहले दिन से विरोध कर रही है। आज हमने ये प्रदर्शन किया है, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी उनके नुमाइंदे चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो उनके घरों का घेराव करेंगे, उनके घरों की बिजलियां काटेंगे, उनका विरोध तब तक करेंगे जब तक इस कानून को वापस लेने के लिए ये लोग कदम नहीं। जो किसानों के हित में नहीं है इस कारण से हम उसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है, पूरे देश में उनके घटक दल भी छोड़ के जा रहे हैं, एक मंत्री मिसेस कौर ने भी इस्तीफा दिया है, तो ये कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है। वो जो उद्योगपति हैं देश के, जो कि हम तो ये मानते हैं कि मोदी जी के मित्र हैं, उनको लोग लाभ पहुँचाने के लिए ये कानून लाया गया। मंडल से इस्तीफा दे दिया, जब उनकी घटक दल इस्तीफा दे रहे हैं तो समझ में आना चाहिए कि भारत सरकार ने कितना किसान विरोधी कानून लागू किया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के एक नेता जो कांग्रेस छोड़ के गए थे सड़क पर उतरने के लिए, एक वो है जो मंत्री पद के लिए सरकार गिरा के सड़क पर उतरने की बात बोल के गए थे और इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। इन्हीं बातों के लेकर आज हमने ज्ञापन दिया था।